परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 11। और आज हम आपके लिए 11th क्लास की मैथमेटिक्स को लेकर आए हैं। कई स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जो है 11th की क्लास नहीं चला रहे हैं, तो हमने आपके लिए 11th की मैथमेटिक्स को उपस्थित किया है, जिसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। तो आज हम आपको अनुक्रम और श्रेणी के बारे में बताएंगे और इसके कुछ सूत्र बता करके आपको हम सवाल से अवगत कराएंगे। तो आइए देखिए कि सबसे पहले चीज़ तो यह है कि यह आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वीडियो चूँकि 11th की है तो 11th के सभी बच्चों के पास आप इसकी शेयरिंग करेंगे और कमेंट्स करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएंगे और यह सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। आइए हम आपको देते हैं या दिखाते हैं कि आपके 11th क्लास की अनुक्रम और श्रेणी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अनुक्रम क्या है, कि राशियों का ऐसा समूह है या राशियों का वह समूह जो किसी नियम के अनुसार, जिसका प्रत्येक पद जो है एक नियम के अनुसार बंधा हुआ हो। प्रत्येक पद, तो देखिए हमने वही बताया है कि राशियों का वह समूह जिसका प्रत्येक पद किसी निश्चित नियम के अनुसार बना हुआ हो अनुक्रम कहलाता है। यानी यह राशि का प्रत्येक पद जो है एक निश्चित नियम के अनुसार बधा होना चाहिए। तो बधा है, यहाँ देखिए जैसे में हमने बताया है कि 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी इसके प्रत्येक पद में आप देख रहे हैं कि यह प्रत्येक अगला पद जो है 5 बढ़ता जा रहा है इसमें, तो 5 बढ़ता जा रहा है। तो देखिए अनुक्रम के जो प्रत्येक पद प्रत्येक राशियां हैं, अनुक्रम की जो प्रत्येक राशियां हैं, जैसे 5 एक राशि है, 10 एक राशि है, 10-15 एक राशि है, 20 एक राशि है, 25 एक राशि होगी, 30 एक राशि होगी, ये सभी क्या हैं, अनुक्रम के पद हैं। ये सभी राशियों को अनुक्रम के पद कहते हैं, अनुक्रम के पद कहते हैं इन्हीं राशियों को। अब इसके बाद देखिए यह अनुक्रम है, अनुक्रम तथा श्रेणी आपके चैप्टर का नाम है, तो अनुक्रम और श्रेणी में थोड़ा सा अंतर है। इन्हें अनुक्रम के पदों को हम प्लस चिन्ह के साथ माइनस चिन्ह के साथ लिख दें, प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ लिख दें, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम श्रेणी कहेंगे। उसकी परिभाषा हमने नहीं लिखी है क्योंकि थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अनुक्रम और श्रेणी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो अनुक्रम में क्या है कि राशियों का समूह है और निश्चित नियम के अनुसार बधा हुआ है, अनुक्रम है, और इन्हीं को अगर निश्चित नियम के अनुसार जो बधा हुआ है कि इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है, या प्रत्येक पद आपका प्लस में है कि माइनस में है, ये आपका अंकित हो जाए प्रत्येक पद के सामने, तो उसी को हम क्या कहेंगे, श्रेणी, उसी को हम श्रेणी कहेंगे, सीरीज कहेंगे। यहाँ अनुक्रम का मतलब है कि एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो सीक्वेंस को ही हम श्रेणी कहेंगे जब वह प्लस या माइनस यानी एक बीजगणितीय नियम के अनुसार वो बध जाए। तो आइए आपको हम बताते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित राशि, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित राशि या एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। प्रत्येक पद, प्रत्येक अगला पद, प्रत्येक अगला पद, प्रत्येक पद नहीं बल्कि प्रत्येक अगला पद जिसका प्रत्येक, जिसका प्रत्येक अगला पद, अगला पद अपने पूर्व पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने अथवा घटाने से, यहां थोड़ी सी लाइट अधिक है, घटाने से, यहां जो लिखा गया है यह है घटाने से, हम मिटा करके यहां लिख दे रहे हैं, घटाने से, घटाने से प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक अगला पद, जो अगला पद आपको मिलना है वह प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। और वह जो निश्चित राशि जोड़ी अथवा घटाई जा रही यानी उस निश्चित राशि को हम समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं। यानी जो निश्चित राशि
पद में जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही है अगला पद प्राप्त करने के लिए, उस निश्चित राशि को हम समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। तो देखिए इसके बाद है कि सार्वंतर आप ज्ञात कैसे करेंगे। अगर कोई समांतर श्रेणी आपको दे दी गई या आपको श्रेणी दे दी गई कि पूछ लिया गया कि इसका सार्वंतर बताइए श्रेणी का, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि अगर आपको सार्वंतर निकालना है श्रेणी का, तो सार्वंतर निकालने के लिए बहुत ही आसान है। किसी भी पद को ले लीजिए, उसके पूर्व वाले पद को उसमें से घटा दीजिए। किसी भी पद में से उसके पूर्व वाला पद घटाने पर प्राप्त मान ही, प्राप्त संख्या ही उस श्रेणी का सार्वंतर होता है। हमने बताया है कि समांतर श्रेणी के किसी पद में से उसके पूर्व पद को घटाने से प्राप्त मान को उस श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। जैसे ये श्रेणी है 5, 10, 15, 20, 25, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सार्वंतर कैसे निकालेंगे। 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, और इसमें से ये सार्वंतर जो होगा, सार्व अंतर ये बराबर हो जाएगा। जैसे हम सभी में देखेंगे तो 10 माइनस 5 पहले में तो लेंगे, तो पहले के पहले कोई पद ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ कितना आया, 5 आया। अगर हम दूसरे से देख रहे हैं तो 15 माइनस 10 यानी दूसरे पद में से घटाएंगे तो उसके पहले वाला पद, उसके पहले वाला पद क्या होगा, वही जो उसके पहले वाला है दसवां, 10 लिखा है यानी दूसरा पद, तीसरे के पहले वाला दूसरा होगा, तो यहाँ भी 5 आएगा। चौथे से अगर निकालना चाहेंगे तो 20 माइनस 15 यहाँ भी 5 आएगा। ये भी सभी जो है सार्व अंतर हैं, सभी सार्व अंतर हैं और सभी आप देख रहे हैं बराबर हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज और प्राप्त हुआ कि यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी पद में से उसके पूर्व पद को घटाने पर जो पद प्राप्त हो रहा है वही सार्वंतर है, और वो सार्वंतर सभी में, सभी के लिए क्या है, समान है, सभी सभी के लिए समान है। इसी को हम सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। तो यहाँ सार्वंतर सभी में समान है। तो यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ और मिला कि अगर आपसे पूछ लिया गया, कोई श्रेणी दे दी गई और पूछ लिया गया कि बताइए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, तो आप क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में चेक करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे जो राशि आएगी नोट कर लेंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे जो राशि आएगी नोट करेंगे, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे जो राशि आएगी नोट करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि सभी में जो राशियां प्राप्त हो रही हैं घटाने पर वो समान हैं, तो श्रेणी कौन सी होगी, तो श्रेणी कौन सी होगी, तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। निश्चित ही वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी अगर वह पद जो घटाने पर प्राप्त हो रहा है, वह राशि जो आपको घटाने पर प्राप्त हो रही है, अगर वो समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहीं से आप प्राप्त कर लेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अब आइए इसके आगे हम आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी का आप यनवा पद कैसे निकालेंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी का यनवा पद, यनवा पद में आप जैसे आपसे पूछ लिया गया, कुछ पद दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इसका 20वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे ना। तो निकालने के लिए आप श्रेणी का यनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना। तो देखिए यनवा पद कैसे हम ज्ञात करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लिखेंगे कि माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है, प्रथम पद स्मॉल ए है तथा सार्व अंतर स्मॉल डी है, तब श्रेणी का यनवा पद देखिए प्रथम पद स्मॉल ए माना गया और सार्व अंतर स्मॉल डी माना गया, तो प्रथम पद स्मॉल ए, चूंकि अल्फाबेट में स्मॉल ए सबसे पहले है तो प्रथम पद उसी को प्रायः माना जाता है स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में, और डी मीन्स होता है यहाँ सार्वंतर है, सार्वंतर मीन्स ये डिफरेंस के लिए डी माना जाता है। समांतर श्रेणी का यनवा पद ये बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी को हम प्रदर्शित करते हैं
TN, चाहे कैपिटल लेटर में लिखिए या स्मॉल लेटर में लिखिए, या इसी को हम कभी कभी कैपिटल AN या स्मॉल AN से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये सभी नोटेशन हैं इसी समांतर श्रेणी के nवें पद के, जिसका मान है a प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र है। अगर आपसे पूछ लिया गया कोई श्रेणी दे दी गई, या समांतर श्रेणी का प्रथम पद और डी का मान दे दिया गया सार्वंतर का मान, और पूछ लिया गया तो बीसवां पद ज्ञात कीजिए, बीसवां पद में सी एन बराबर बीस हो गया, ए और डी का मान आपको पता है, तो बीसवां पद आप इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपने समांतर श्रेणी के बारे में इतना जाना। इसके बाद आपका है कि आप देखिए इतने से ही आप पहली प्रश्नावली के सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको दिया है, आपको प्रश्नावली 2A में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नावली 9A, आपकी प्रश्नावली जो है वो है 9A, प्रश्नावली ये 9A से आपका स्टार्ट है, जो कि डॉक्टर मनोहर रे की बुक में है। डॉक्टर मनोहर रे की बुक से हम पढ़ा रहे हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि 9A से आपकी जो है अनुक्रम तथा श्रेणी, नौवां चैप्टर आपका अनुक्रम तथा श्रेणी है, और 9A में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक पद पांच, प्रत्येक प्रथम पांच पद लिखिए जिसका यनवा पद दिया गया है। तो पांच पद लिखना है प्रत्येक का, यनवा पद दिया गया है। तो पहला दिया है ए एन बराबर थ्री एन प्लस वन अपान फाइव, प्रत्येक पांच पद लिखना है थ्री एन प्लस वन अपान फाइव, ये ए एन का मान दिया हमने बताया ना, ए एन, ए एन मीन्स वही यनवा पद, तो यनवे पद का मान दिया है, यहाँ देखिए नोटेशन में बताया गया, तो यनवे पद का मान दिया है, प्रत्येक पांच पद लिखना है। तो पांच पद में सबसे पहले आप पहला पद लिखेंगे, यानी प्रथम पद बराबर हो जाएगा ए वन, और यन के स्थान पर एक रख देंगे तो आएगा तीन गुणे एक धन एक बटे पांच बराबर चार बटे पांच। द्वितीय पद मीन्स ए टू बराबर हो जाएगा, यहाँ एन बराबर दो रखेंगे, तीन गुणे दो धन एक बटे पाँच, तो ये हो जाएगा सात बटे पाँच, तीन दूनी छः एक सात बटे पाँच। ए थ्री बराबर तीन गुणे तीन धन एक बटे पाँच, तीन त्रिका नौ एक दस, तो दस बटे पाँच मीन्स ये आपका हो गया दो, कट जाएगा। फिर आइए तीसरा पद हो गया, चौथा पद देखिए, ए फोर बराबर यहाँ तीन गुणे चार धन एक बटे पाँच, चार तिहाई बारह एक तेरह, तेरह बटे पाँच हो गया। इसके बाद आपको निकालना कौन सा है, चौथा हो गया, तो पांचवा लास्ट वाला, पांच ही पद तक पूछ रहा है। पांचवा पद बराबर होगा तीन गुणे पाँच धन एक बटे पाँच, तो तीन पचे पंद्रह एक सोलह, सोलह बटे पाँच। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने किसी एक के लिए, हमने आपको दिखाया कि पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है an का मान, an मीन्स यनवा पद है, और यनवा पद अगर आपको ज्ञात है उस श्रेणी के सभी पद लिखिए, चाहे जो पूछ रहा है n का मान रखिए, जो n का मान होगा वही पद हो जाएगा। तो यहाँ n का मान एक रखा गया तो पहला पद, दो रखा गया तो दूसरा पद, तीन रखा गया तो तीसरा पद, चार रखा गया तो चौथा पद, और पाँच रखा गया तो पाँचवा पद हुआ। इस प्रकार से आपने ये 9A के पहले क्वेश्चन को हल किया, और इस 9A के सभी क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको नोटिस करवा दे रहे हैं, आप नोट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम मनोहर रे की बुक से आपको पढ़ा रहे हैं, तो बुक में यह जितने क्वेश्चन हैं इस टाइप के, यानी 10 क्वेश्चन तक आपको इस तरह से करना है। तो पहला हम आपको बताए हैं, दूसरे में दिया है ए एन बराबर एन माइनस वन अपान एन प्लस वन, तीसरे में दिया है ए एन बराबर एन इंटू एन माइनस वन, चौथे में दिया है ए एन बराबर माइनस वन की पावर एन इंटू एन स्क्वायर। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, माइनस वन की पावर एन है तो यहाँ पे देखिए माइनस की पावर एन है, अगर एन सम होगा तो प्लस हो जाएगा, एन विषम होगा तो ये माइनस हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया है आपको कि ए एन बराबर थ्री पावर एन, छठा क्वेश्चन है कि ए एन बराबर एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर अपान थ्री। सातवां क्वेश्चन दिया है कि ए एन बराबर एन इंटू एन प्लस टू, आठवां क्वेश्चन है कि ए एन बराबर
एन अपान एन प्लस वन। नवा क्वेश्चन है कि ए एन बराबर टू पावर एन, ए एन बराबर टू पावर एन। दसवां क्वेश्चन है कि ए एन बराबर टू एन माइनस थ्री अपान सिक्स। तो आप दसवें क्वेश्चन तक हल करेंगे। हाँ, एक और है, ग्रामा भी है इसी टाइप का। ग्रामन दिया है ए एन बराबर माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू फाइव पावर एन प्लस वन। तो यहाँ भी देखिए माइनस की पावर दिया है, माइनस की पावर दिया है, इट मीन्स जब यहाँ माइनस की पावर समाएगी तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा अगर होता है तो प्लस होता है। दो बार गुणा होगा तब भी प्लस होगा, चार बार होगा तब भी प्लस होगा, छः बार होगा तब भी प्लस होगा, आठ बार होगा तब भी प्लस होगा। तो इस प्रकार से जब माइनस वन की घात सम आएगी तो आप उसको प्लस में लिखेंगे, और अगर विषम आएगी तो उसको माइनस में प्राप्त करेंगे। तो ये आप 11 क्वेश्चन, हमने आपको एक क्वेश्चन बताया है, तो आपका सेफ सेफ 10 क्वेश्चन बच रहा है। इस 10 क्वेश्चन को आप इस नियम से हल करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। ये अनुक्रम और श्रेणी के चैप्टर का पहला आज का वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चैप्टर हम लेके आए हैं, और आसान नहीं होगा तो हम आसान बना देंगे। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हमारे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, हमारे YouTube चैनल को शेयर करके लाइक कीजिए, और हमारा मोटिवेशनल बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।